फतेहपुर जिले में नवरात्रि के दौरान सभी मंदिरों में माता के जयकारे गुंजायमान आए नजर। नवरात्रि को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर पर विशेष साफ सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है। रविवार को जिले भर के देवी मंदिर पर माता के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ शहर के कचहरी रोड स्थित कचहरी दुर्गा मंदिर, गांधी मैदान स्थित खागा स्थित दुर्गा मंदिर पर रही। इसके साथ मां भगवती सेवा समिति द्वारा आयोजित हो रहे पूजा कार्यक्रम में भी श्रद्धालु काफी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हुए नजर आए। नवरात्रि पर्व के मद्देनजर दुकानों में पूजा सामग्रियों की बिक्री जोरों से हो रही है। लोग चुनरी, नारियल सहित अन्य चीजों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्रि में घरों में भी देवी माँ की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। व्रत रखने के लिए बाजारों में बिक रहे फल व मेवा के दामों में नवरात्रों में काफी उछाल देखने को मिल रही है। पंडित आनंद तिवारी ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि व धन की देवी कहा जाता है। नवरात्रि में माँ अम्बे को प्रसन्न करना आसान होता है। माँ दुर्गा का लाल रंग सबसे खास माना जाता है, इसलिए पूजा में आसन के तौर पर लाल रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। श्रद्धालुगढ़ फूल की माला, आम पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी घाट, पिसी हल्दी, मौली, रोली, कमलगत्ता, शहद, चीनी, पंचमेवा, गंगा जल, नौवेद्य, जावित्री, जटा नारियल, सूखा नारियल, दूध, वस्त्र, दीपक, घी व अगरबत्ती आदि पूजा सामग्रियों से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे माता दुर्गा की कृपा भक्तों पर होती है। युवतियों व महिलाएं 16 श्रृंगार अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हुई नजर आई। आज से नवरात्र स्टार्ट है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? इसको लेकर भरपूर तैयारियां हैं। हाँ। सभी नगर वासियों के मन में हर्षोल्लास के साथ नवरात्र की शुरुआत की जा रही है। माँ भगवती सेवा समिति की तरफ से अष्टमी का भव्य भंडारा और श्रृंगार का आयोजन किया गया है। लगभग आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? हमको हो गया 18 वर्ष। तो लगभग कैसे क्या इसका एस्टीमेट रहता है, कैसे क्या लोग सब महामारी की वो होता है, कोई एस्टीमेट नहीं होता है। मोहल्ले वासी मिल के सब ये कार्यक्रम कराते हैं। आपका परिचय? राहुल गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।